हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक न्यू वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि 4K इस्लामिक थंबनेल कैसे बनाया जाता है। इस थंबनेल को बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम के लिंक में जाकर ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम में ये ऐप का लिंक दे दिया है, आप उसमें से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं पिक्सल ऐप। तो हम लोग पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद आपको एक कॉन्फिर्मेशन आएगा, तो उसे आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद ये यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसे आपको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करना मैं बताता हूँ। आपको ऊपर प्लस वाले आइकन दिख रहा है, उसके नीचे डिलीट का ऑप्शन है, आप वहाँ से डिलीट कर दीजिए। और इस अब इसकी जो स्क्वायर शेप का जो बना है आप इसे हटा के यूट्यूब थंबनेल के शेप का लाना है। तो उसको लाने के लिए आपको 3 डॉट पे जाना पड़ेगा। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको इमेज साइज पे जाना है। इमेज साइज पे जाना है, उसके बाद जो कस्टम लिखा हुआ है उसको आपको हटा के यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे देखिए ये यूट्यूब थंबनेल आ गया शेप जैसा है। यूट्यूब थंबनेल के शेप जैसा है, अब इसमें आपको बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। तो मैं बैकग्राउंड इमेज आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाके बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको वापस प्लस वाले आइकन में जाना है और फिर उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद उस बैकग्राउंड इमेज को आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए गाइस, मैं बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पहले ही से डाउनलोड है, तो आप इस बैकग्राउंड इमेज को ले लेते हैं। इस बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे आपको पूरे फुल साइज़ में इसे बढ़ा देना है। तो आप इसे बढ़ा दीजिए, इसे मैं बढ़ा रहा हूँ। आप इसे बढ़ाने के बाद आप इस फोटो को लॉक कर सकते हैं। तो लॉक कैसे करना है, तो वापस आपको 3 डॉट के नीचे एक आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। तो देखिए मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद आपको कुछ एक इमेज ऐड करना है। देखिए जैसे लॉक करने से ये फ़ायदा था कि कोई इमेज कभी इधर उधर नहीं जाती, नहीं तो ऐसी बहुत सारी इमेज हो जाती हैं, कोई लोग बिना लॉक करे ही वो कभी इधर उधर चल जाती है। तो चलिए हम लोग बैक और एक इमेज ऐड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग वापस प्लस वाले आइकन में जाना है। प्लस वाले आइकन पर जाके आपको वापस फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। चलिए तो फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपको ये इमेज ले लेनी है। जैसे मैंने ये इमेज ले ली, ये भी इमेज मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए इसका शेप बहुत बड़ा है, आप इसे छोटा कर लेते हैं, ऐसे इसमें ये आराम से आ जाए। तो मैं इसे ले लेता हूँ, आप इसे ले लीजिए और इसके साइज़ को सही कर दीजिए। देखिए ये अब यहाँ आपको कुछ एंगल से या कहीं दिक्कत हो तो आप वहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जाके इसे आप बड़ा कर लीजिए, ऐसे ये ऐसे बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको इसके शेप और साइज को सही करने में आसानी मिलेगी। तो मैं इसे कर देता हूँ, देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ आपको उसी तरह करना है। तो देखिए ये इमेज हो गई है थोड़ा सा, ये देखिए गाइज हो गई है मेरी इमेज। तो ये इमेज हो गई है, आपको इसी जैसे इमेज को आप दूसरे में करना है। तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरे इमेज को भी ऐड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने ये दूसरी इमेज भी ऐड कर लिया है। तो देखिए कैसे लग रही, अच्छी लग रही इमेज फ़ोटो। तो चलिए हम लोग अब इस पर टैक्स्ट कर देते हैं। तो टैक्स्ट करने के लिए आपको ये ए वाले ऑप्शन में जाना है, ये यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन लिख रहा है, तो आप इसे टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे न्यू टेक्स्ट आ गया तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 4K थंबनेल कैसे, इस्लामिक 4K थंबनेल कैसे बनाया जाता है।
आप यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, आप मैं लिख देता हूँ, तो गाइज मैं लिख देता हूँ 11वीं शरीफ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11वीं शरीफ। आप यहाँ पे आप इसे छोटा या बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन के बगल में दिया हुआ है, छोटा या आप इसे बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं इसे बड़ा रख देता हूँ। बड़ा रखने के बाद आप इसे गाइस इसे आपको ओके पे क्लिक कर देना, तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो आप इसे इसके साइज को आप इस कलर भी कर सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइलिश में जाके आप स्लाइडिश में जाना है, उसके बाद आपको ब्राउज़र में जाना है, तो ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी है, तो ये कैसे भी कर सकते हैं आप। तो मैंने ये वाली लिया हुआ हूँ सबसे नीचे में। इसको लेने के बाद आपको इसके साइज को छोटा कर देना है, तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ मैं इसे। आपको मैं एक और चीज़ लिखना चाहता हूँ, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो वापस आपको टेक्स्ट में जाके, ये ओके हो गया है तो इसे हटा दीजिए, वापस टेक्स्ट में जाना है, फिर आपको स्टाइलिश में जाके ब्राउज़र में, फिर उसके बाद वही वाली इमेज को आपको क्लिक कर देना जो लास्ट में सैंपल लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। वापस आपको एडिट वाले ऑप्शन पर चल जाना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है गॉस पार्क। तो मैंने ये गॉस पार्क लिख दिया, आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चलिए गाइस मैंने बड़ा लिख दिया है और आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। आपको भी इसे छोटा करके, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इस इमेज को मैंने लॉक नहीं किया हूँ, तो मैं इस इमेज को भी लॉक कर देता हूँ। आपको थ्री डॉट के ऊपर, जहाँ थ्री डॉट है उसके नीचे आपको क्लिक करके ये दोनों इमेज को आपको लॉक कर देना है, तो मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो ये जो 11वीं शरीफ लिखा हुआ है इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो इसके बड़ा करने के बाद इसे मैं छोटा कर देता हूँ। तो गाइस इसे हो गया ये इमेज, तो हमें ये दोनों जो मैंने लिखा हुआ है 11वीं शरीफ गौसे पाक, तो आप इस दोनों को एक साथ ही ज्वाइन कर देते हो। मैं बता रहा हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको वापस थ्री डॉट के नीचे जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। गाइस क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे जो ये प्लस और क्रॉस का जो सिंबल दिख रहा हुआ है नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नेम लिखा हुआ है 11वीं शरीफ और गौसे पाक, उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ से एक दोनों को ज्वाइंट कर देना है, तो देखिए ये एक दोनों में ज्वाइंट हो गया है। तो वापस आपको क्लिक करने के बाद ये देखिए एक ही में ज्वाइंट हो गया है, तो आप इसे सही जगह पर रख सकते हैं, छोटा बड़ा आपको जैसे लिखना है आप उसे कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और आपको छोटा करना है, जैसे ये सही जगह पे आ जाए, तो देखिए ये सही जगह पे आ गई है। तो ये गाइस देखिए फोटो सही जगह पे आ गई है, आप इसे और भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं, आपको ये छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ पे कर दीजिए। तो आप इसे भी लॉक कर देते हैं, जैसे ये इमेज कहीं जो मैंने लिखा हुआ है वो कहीं इधर उधर ना हो, तो चलिए मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ, तो इसको भी मैंने लॉक दिया कर दिया। तो गाइस यहाँ पे आप हम लोग कमिंग सून लिख लेते हैं, जैसे 11वीं शरीफ आ रही है 6 नवंबर को है, तो चलिए हम इसे भी यहाँ पर कमिंग सून लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे कमिंग सून लिख देते हैं, तो कमिंग सून, तो हम लोग इसे भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे टीटी का ऑप्शन है डिलीट के बगल में,
आप इसे बड़ा कर सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्ज़ी, बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, तो इसमें बड़ा कर दिया। और इसमें आप हम लोग कलर ले लेते हैं, तो ये वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कलर आपको ढूंढना है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे कलर है। आप वो कलर होने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वाली कलर ली है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैंने रेड लेने के बाद आप क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद इसमें फॉन्ट आपको ऐड करने, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। तो आप कोई भी फॉन्ट देख ले सकते हैं, तो जैसे मैं ये वाली फॉन्ट ले लेता हूँ। आपको जैसे कोई भी अच्छी आपको फॉन्ट लगे आपको ले लेनी है, तो मैं ये वाली फॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको वापस यहाँ पे आके इस यहाँ के स्ट्रोक को आपको इनेबल कर देना है, और इसके शैडो को भी आपको इनेबल कर देना है, जैसे हम लोग की जो कमिंग सीन लिखा हुआ है वो अच्छी तरह से दिखे और अच्छी तरह से। तो इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं, जिससे ये सही जगह पे हो जाए। तो गाइस इसे भी हम लोग सही जगह पे लिख सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से थोड़ी और मैं हम लोग बड़ी कर देते हैं। तो गाइस ये देखिए, इसे भी हम लोग लॉक कर देते हैं। तो हम लोग इसे भी लॉक कर देते हैं। तो गाइस देखिए, हमारी 4K इस्लामिक थंबनेल बन के तैयार है। तो बताइए गाइस कैसी लगी है। तो अब ये थंबनेल बन के तैयार हो गई है। तो गाइस चलिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो गाइस इसको आपको सेव करने के लिए सबसे पहले आपको सेव करना है, तो पहले आप अपने नेटवर्क को बंद कर दें, जिससे कोई एड्स वगैरह ना आए। तो इसको सेव करने के लिए आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसको कस्टम हटा के यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पे सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक कर देना है। ये इमेज थोड़ी देर में सेव हो जाएगी। तो गाइस ये इमेज सेव हो रही है, गाइस इमेज मेरी सेव हो गई है। तो बताइएगा भाई, कमेंट करिएगा कि मैंने वीडियो कैसा लगा आपको। आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय गाइस।